देश की राजधानी दिल्ली में 250 सीटों पर नगर निगम वार्ड के चुनाव में रविवार को लगभग 50% मतदान दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तीनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। चुनाव परिणामों की घोषणा 7 दिसंबर को होगी। हालांकि इस बार हैरानी की बात ये रही कि वोटिंग काफी कम हुई। दरअसल 2017 के मुकाबले इस बार लगभग 3% कम मतदान हुआ, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के निकाय चुनाव में 17 में 53.55%, 12 में 53.39% और 2007 में 43.24% मतदान हुआ। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या नुकसान होने की संभावना है। दरअसल इस बार दिल्ली के पॉश इलाकों में काफी कम मतदान देखा गया। आमतौर पर ये इलाके बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने आपको अपना भरपूर समर्थन दिया था। ऐसे में पॉश इलाकों में कम वोटिंग प्रतिशत का जितना नुकसान बीजेपी को होगा, क्या उतना ही नुकसान आपको भी होगा, देखने वाली बात है। दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का 15 सालों से शासन रहा है। वोटरों में कामकाज को लेकर नाराजगी है। जो लोग बीजेपी को वोट करते आए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि ऐसे वोटर्स ने वोट नहीं किया। तीसरी बात यह है कि टिकट बंटवारा भी कम वोटिंग प्रतिशत का एक मेन कारण दिखाई देता है। कई सारे इलाकों में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और कार्यकर्ता इसीलिए भी निष्क्रिय थे, क्योंकि टिकट का बंटवारा ठीक तरीके से नहीं किया गया। यहां तक कि कई सीटों पर बगावत देखने को मिली और कई सीटों पर नाराज कार्यकर्ता वोटर्स के बीच चुनाव प्रचार करने ही नहीं गए। इस बार के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के कम होने के पीछे एक और बड़ी वजह है। कई सारी जगहों पर वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब रहे। कई सारे वार्ड में परिसीमन की वजह से वोटरों को 2 या फिर 3 बूथों के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर उन्हें मतदान का मौका मिला। बता दें कि दिल्ली में इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत के कम होने के लिए इसे भी एक कारण माना जा रहा है। आमतौर पर लोग वोटिंग के बजाय शॉपिंग जाना पसंद कर रहे होंगे। दिल्ली में कई लोग ऐसे भी हैं जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए या तो शॉपिंग पर चले गए या फिर दूसरे शहरों में थे। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।